हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग. आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड योर वीकेंड वेरी वेल बिकॉज़ वी कांट. दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वीकेंड कैसा गया. वेदर इज सो नाइस टुडे. इट्स रेनिंग और काफी रिलैक्सिंग माहौल है. सो आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय oncology ward. I know they are waiting for me. They know कि मैं आऊँगा. आगे सारी चीज़ें फटाफट से मैनेज करूँगा. जो मेडिसिन्स नहीं आ रही होंगी उनको फटाफट से अवेलेबल करवाऊँगा. तो they need me. So it's a good thing. राइट नाउ आई एम चेकिंग ऑल द स्टॉक्स वार्ड में होना चाहिए और उसकी जो क्वांटिटी है वो चेक कर रहा हूँ मैं कि हाँ अगर चार है तो चार हैं कि नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी. अगर हमारे पास मेडिसिन नहीं आ पाई तो हम उस स्टॉक में से लेके लगा देते हैं और बाद में स्टॉक को मेंटेन कर देते हैं या फिर हम उसको जान देते हैं, ऐसे चलता है. तो सो दिस इज द स्टॉक जो चेक करना होता है. एवरीडे नर्सिंग स्टाफ के साथ या तो मैं या तो मेरे कोलीग हम लोग देखते हैं कि वो जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं स्टॉक्स का वो ठीक है कि नहीं है. उसको क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे अभी रिकॉर्ड मेंटेन हो चुका था तो मैं क्रॉस चेक करने के लिए उसको देख रहा हूँ बस. सो वी आर गोइंग टू कॉलेज क्योंकि हमें बिकॉज़ वी प्रॉमिस्ड द स्टूडेंट्स कि हम जाएंगे और उनसे मिलेंगे. और दूसरी चीज ये भी है कि हमको हमारे जो HOD सर हैं उनसे थोड़ा मीटिंग करना था, उनसे कुछ बात करनी थी, तो वो भी एक रीज़न है कि हम इसलिए कॉलेज जा रहे हैं अभी. मेरा जो वार्ड का लर्निंग एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने GCS सीखा कि इट इज़ सिंपली उसमें पता करते हैं कि पेशेंट कॉन्शियस है कि नहीं है, पेशेंट वर्क का ब्रेन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. लाइक आपने पेशेंट को बोला कि यहाँ पे हाथ लेके जाओ, ये करो वो करो, तो ही इज एबल टू डू और नॉट कॉन्शियस है कि नहीं है. व्हाट यू लर्न टुडे? या तो मैंने अपने वार्ड में आज बहुत दिनों के बाद स्टॉक चेक किया जिसमें मेरे को पता चला कि जो स्टॉक है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रखा है. ठीक है, फिर एक पेशेंट है बहुत ही ओल्ड एज थी, वो उनकी कैनो लगाना था. तो एज यू नो जो हमारे स्टाफ थे उन्होंने 2-3 बार ट्राई किया तो नहीं लगा, फिर मैं गया और मेरे से भी नहीं लगा. बट नीलेश, मतलब मैं ये चीज़ यहाँ पे इनकाउंटर करना चाहूँगी कि एड्रेस करना चाहूँगी कि आप स्किल्स को सीखो, कोई इशू नहीं है. आप कैनुला लगाना, IM IV इंजेक्शंस वगैरह देना, ये सब आप बेशक सीखो, देयर इज नॉट एनी इशू. बट मैं यहाँ पे किसी को मतलब प्रोवोक नहीं कर रही हूँ कि आप अभी सब कुछ छोड़ के आप जाओ वो चीज़ सीख लो, बट ये सीखो कि आप वो बस एज अ स्किल सीख रहे हो और अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन. आप ये नहीं कि हमें देख रहे हो और जाके बस लगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है. आप वो चीज़ों को देखो, एनालाइज करो, किसी नर्सिंग स्टाफ के साथ जाओ या किसी के साथ भी जिसको आपको लगता है कि जो कॉन्फिडेंट है इनफ जो लगा सके बता सके, तो इस तरीके से करो. और लगाने से पहले तो आई थिंक पहले तो वॉच करो उसको 10-15 डेज तक. तो ये स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हो, जो आपको कहीं भी काम आएंगे एज अ फार्मडी. मतलब हम उस दिन बात कर रहे थे ना कि एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल यू मस्ट नो दीज लाइफ सेविंग थिंग्स लाइक CPR, फिर किसी को इंजेक्शन वगैरह देना है, ड्रिप वगैरह चढ़ाना है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं और काउंटर करूँगा कि जैसे जब हम मेडिसिन ऑर्डर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि मेडिसिन जो है वो कुछ और नाम से है, फिर जेनरिक नाम भी उसके मतलब ऐसा होता है कि हमें पता होता है क्लास कौन कौन सी है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ड्रग नहीं आ रही तो मेरे को उसी क्लास पता है कि अगर मेटोक्रोपामाइड नहीं आ रही तो मैं रेग्लान कर दूंगा. तो ये चीज़ मुझे पता है, नर्सिंग स्टाफ डजंट नो दिस. तो ये काम जो है इससे उनको ईजी हो जाता है कि अच्छा अच्छा मेडिसिन तो उसी की आएगी ना, मैं कहता हूँ हाँ ओके ओके, अरे मैं जी पी आई ले रहा हूँ उसी की आएगी. तो ऐसे हम जो है काम करते हैं तो मेडिसिन जो जितना भी है वो प्रॉपर मिलता है पेशेंट को. उसमें ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं है तो मिस कर दिया, छोड़ दिया. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो अभी चलते हैं कॉलेज. तो क्या हम सही बोलते थे ना, जैसे हम कॉलेज से निकलेंगे कॉलेज चेंज हो जाएगा. देखो जरा, ओ भाई
पूरा कॉलेज चेंज हो गया, देखो नई नई चेयर्स, बट इस पे भी वो नहीं हुआ है भैया, इसका उद्घाटन नहीं हुआ है ना कुछ, हम जैसे बच्चे अभी क्लीन है, अभी ये सब क्लीन है, एग्जाम के बाद ये भरा हुआ होगा। और देखा इन्होंने, इन्होंने वो भी लगाया कि इस पे ना पेंसिल जल्दी दिख जाएगी, तो लाइट कलर्स, दे यूज लाइट कलर्स, बी फार्म, क्योंकि उसमें बच्चे की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, बस एक एसी और लग जाए तो मजा आ जाए। तो अभी हम लोगों को फर्स्ट ईयर के, मतलब जब हम लोगों ने फोर्थ ईयर में करवाया था कंडक्ट फार्मेसी डे, जिनको नहीं पता 25 सितंबर को फार्मेसी डे है, तो हाँ जो बाकी सारे जो बी फार्म के फर्स्ट ईयर के बच्चे थे वो थर्ड ईयर में आ चुके, तो वो बोल रहे हैं कि अरे वो उतना मजा नहीं आ रहा है, कोई कुछ करवा नहीं रहा है, आप लोग कुछ करवाओ। बट हमने हमारे टाइम पे बेस्ट किया था, मतलब जो रेगुलर जो चलते आ रहा था उससे कुछ अलग करा था, और उस टाइम पे कोविड लेटेस्ट में था तो उसको भी करा था, एंड इट वाज अमेजिंग। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच, मैं इसका डाल दूंगा ऊपर, वो क्या कहते हैं उसको, आई बटन, देयर आई बटन, क्या बात है। अगर मैं एक बच्चे का पैसा भी लेता तो मैं अच्छा खासा कमा रहा होता है ना, अगर मैंने एक बच्चे के पैसे भी लिए होते तो कॉलेज से, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी से नहीं लिया, तो पूरी क्लास ही आ गई, मतलब एक प्रकार से है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोगों को बता दो मैं कौन हूँ, कौन नहीं जानता मेरे को वैसे, किसने मेरे को नहीं देखा आज तक, तुम लोग नहीं जानते हो, ठीक है, तो तुम लोग कंफर्टेबल हो मैं अगर व्लॉग करूँ तो, मेरे को दिक्कत नहीं है ना। हाँ उसने भी हाथ उठा दिया, हो गया। तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे, और मैं फार्मडी से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ उस पर, व्लॉग्स डालता हूँ डेली लाइफ के, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं ये सब वो व्लॉग्स देख कर ही आए हैं, तो उसमें मैं बताता हूँ कि जो फार्मडी इसका मैं स्ट्रगल फेस कर रहा है, हम उसको ओवरकम कैसे करेंगे, क्योंकि स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में रहता है, स्ट्रगल करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एम बी बी एस करने के बाद तुमको 1 लाख की जॉब मिल रही है, फिर तुमको पी जी करना हो, फिर तुमको आगे बढ़ना हो, हम जब हम 10 साल की स्टडी उसके बावजूद उसके बाद जाकर उसको स्पेशलाइज करेगा तब उसको पैसा मिलेगा। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम मिलने के बाद हम 50,000 रुपये कमा नहीं सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं सैलरी सैलरी कितनी होगी फार्मिंग की, तो मैं अभी तक ये आंसर देता हूँ कि सैलरी में मत जाओ, तुमको क्या आता है, तुम जब इंटरव्यू में बैठ करोगे तो मैं तुमसे पूछूंगा तुम क्या जानता है, तो सब जानते हैं तो सब पढ़ कर आए हैं फार्मिंग में, सबको पता है कौन सी क्या है, प्रैक्टिस क्या है, सब तुम लोग पढ़ोगे अब अलग से क्या जानते हैं, पर ऐसा क्या है कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हो उससे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल, अगर इसका कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो तुमको क्यों पैसे देंगे, है ना, समझ रहे हो। कभी भी दिमाग में ये नहीं आता है कि हम लोग के फार्म में क्यों चूज करके गए हैं, गलत बोलते हैं या तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले, तो मैं नहीं बोलूँगा खराब बोल माना, तो मैं ऐसे कंटेंट डालता हूँ, मैं बताता हूँ लोगों को जो लोग नहीं जानते हैं कि फार्म में क्या होता है, कैसे काम करते हैं, तो हॉस्पिटल में क्योंकि आप लोग शायद नहीं जानते हो हॉस्पिटल में क्या काम करता है, बट ये तो मुझे थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए मिलने आया था आप लोगों से कि एक तो हम लोग मिल लेंगे, कुछ चीज़ भी पता शुरू कर दो, और मैथ है पी सी बी से कितने लोग हैं, पी सी बी स्ट्रीम, पी सी बी है, हमारे पास तो इसका पी सी बी है, अभी हमारा जो नहीं 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 कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा कि मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ना आज की मैंने जो चैनल शुरू किया था ना वो आज इस मुकाम पे है कि सारे लोग मतलब ऑलमोस्ट इन स्टैट्स इफ आई से तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट जो आए हैं वो सिर्फ हमारे व्लॉग्स को देख के आए हैं। हमारा उन बच्चों से मैसेज है, वहाँ पे भी हमने दिया था और यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूंगी एक बार कि कभी भी आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, हम कहीं भी दिख रहे हो कैंपस में, फील फ्री टू रीच और फील फ्री टू आस्क कुछ भी, मतलब जस्ट जो भी डाउट है, ऐसा नहीं है कि हम अगर उस जोन में नहीं है तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली गिव यू द राइट पाथ, यप्स, आज का दिन बन गया, मतलब आज का जो बेस्ट चीज हुई है ना वो यही हुई है बस, और कॉलेज वापस जाके ना वो पूरी मेमोरीज वो हो गई है वापस से, होते नहीं कहते ना वाह ताज, तो मेमोरीज पूरी रिकॉल, यस, हो गई हमारी आज, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में व्लॉग में जरूरी है ना, एक दूसरे के वर्ड्स को कंप्लीट करते रहते हैं हम, कभी कभी वो एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं, तो उस समय मैं आके एक वर्ड दे देता हूँ, इसका ब्लैंक होते थे मेरे को ब्लड वर्ड दे देती है, वर्ड भी और ब्लड भी, बट काफी अच्छा लगा। और कॉलेज जाके तो मेरे को ना पूरा वो पहले फर्स्ट ईयर में हम भी आए थे, हम भी वैसे ही बच्चे थे और ऐसे डरते थे कि हाँ कोई सीनियर आ गया कुछ बोल दिया क्या होगा कैसे पढ़ेंगे,
जब से हमारा ये जो चीक बोन है ना वो अपलिफ्ट अपराइट पोजीशन में है, हम लोग बाहर बैठे हुए थे वो सब आगे अपना मतलब इतना अच्छा फील होता है ना, मैं नहीं सकता ये फीलिंग मेरे को अभी जो आ रही है ना, वो लग रहा है कि आज मीटअप करके आ रहा हूँ मैं बच्चों से।